गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के प्रधान श्री हरवंश सिंह चुग जो रिटायर्ड IAS अधिकारी भी हैं, आज पूरनपुर पहुँचे थे। उनका यहाँ व्यापारी नेता हंसराज गुलाटी जी व अन्य लोगों ने भव्य स्वागत किया, उन्हें सरोपा भेंट किया, उन्हें पुस्तकें भेंट की गईं, उन्हें स्मृत चिन्ह भेंट किए गए। इससे पहले श्री चुग वरिष्ठ पत्रकार श्री नवीन अग्रवाल के घर पर पहुँचे और उनके भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री चुग का पूरनपुर के होटल राम में भव्य स्वागत किया गया। यहाँ मौजूद सभासद शैलेंद्र गुप्ता, व्यापारी नेता जाहिद खां, हंसराज गुलाटी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, श्री अजमेर सिंह छीना जी, श्री सुखदेव सिंह जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं गुरुद्वारे के, काफ़ी लोगों ने श्री हर्ष गुप्ता जी, ब्रजेश जी, सब ने स्वागत किया, समरवीर जी भी, अशोक जी, उसके बाद प्रेस वार्ता की उन्होंने। या और भी गुरुद्वारों में जो अब तक हम लोग कार्य करते रहे हैं वो ज़्यादातर लंगर के रूप में सेवा या गुरुद्वारों के आकार बढ़ाने में या बिल्डिंग बढ़ाने में या वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाने में आमतौर पर हमारा ओरिएंटेशन होता था कि हम इस तरह की सेवाएँ जो हैं और इस तरह की सुविधाएँ गुरुद्वारों में दें। अब संगत की अपेक्षा या नई पीढ़ी की अपेक्षा के अनुसार हमें बदलने की आवश्यकता है। अब हम लोगों का ये फील है कि हम बजाय इन पुराने रीति रिवाजों के अलावा इसके अतिरिक्त और भी किस्म की सुविधाएं बनाएं जो एक कह लें कि सिख संगत या सिख समाज के कल्याण के रूप में जानी जाए। जैसे अभी पीछे एक घटना हुई थी, बसगर में एक तीर्थयात्रियों की एक बस आ रही थी जो गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए आ रही थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय पहली बार ये विचार ये आया था कि अल्टीमेटली वो गुरुद्वारा साहब के दर्शन में ही आ रहे थे और ये जो मत्था टेकते हैं यही संगत मत्था टेकती है और अगर वो घायल हैं, गिरे हैं, मरे पड़े हैं तो ये जो गोलक है इस पर पहला अधिकार उनका है। तो ये सोच के कि भाई चाहे हमने पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है तो हम लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स हमारी एक सोच थी कि क्यों ना हम इनकी मदद करें, क्योंकि जो सरकार मदद करती है, ये मैं ये नहीं कहता सरकार मदद नहीं करती है, उसके कुछ मापदंड होते हैं क्योंकि वो सभी अल्टीमेटली सरकारी अस्पतालों में भेज दिए गए लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उनके जो घाव थे वो बड़े गंभीर तरह के थे, किसी की हड्डी निकल गई थी, किसी के अंदर बजरी भर गई थी और किसी को बड़ी सर्जरी की ज़रूरत थी जिसमें 3-4 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो हमने उस समय ये फैसला किया था अपने सभी डायरेक्टर साहबान के, डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ भी बैठे हैं, आप लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पर इस क्षेत्र से, और सरदार सुखदेव सिंह जी, और तो ये फैसला लिया था कि हम इनका इलाज खुद कराएंगे और अच्छी से अच्छी जगह कराएंगे, जहाँ ये चाहेंगे वहीं कराएंगे, जहाँ उनकी संतुष्टि होगी। इवन प्लास्टिक सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी हम लोगों ने ये लिया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना पहला कदम इस ओर बढ़ाया। घटना कब की वजह ये घटना 2 महीने पुरानी है, 2 महीना पुरानी, बसकर एक जो जगह है शायद 2 महीने के पूरे नवंबर। हाँ, तो ये इसके बाद अब हमारी ये सोच है, अभी हमने कल जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो मीटिंग की है उसमें ये निर्णय लिया है कि हम वहाँ एक वृद्ध आश्रम भी बनवाएंगे। उस वृद्ध आश्रम में जो हमारे ऐसे सिख भाई जो नशा ना करते हों और वृद्ध हों उनको सारी सुविधाएं उसमें, दवा और वस्त्र और भोजन, जो मूलभूत जो 3 आवश्यकता है इसकी आपूर्ति वहाँ करेंगे। जिनको जो बेसहारा वहाँ रहना चाहे या जिसको कोई कठिनाई हो जीवन में, कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं तो उन लोगों के लिए ये एक योजना ला रहे हैं। इसके अलावा एक वहाँ पर गुरमत संगीत
केंद्र भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो गुरमत के अनुसार कीर्तन करते हैं उनकी प्रशिक्षण दिया जाए। युवा पीढ़ी जो नशे की ओर जा रही है, आपकी एजुकेशन में अगर बढ़ावा देंगे। दूसरा, प्रचार प्रसार। खाली प्रचार प्रसार से किसी को या भाषण से हम किसी की हैबिट नहीं बदल सकते, बेसिकली ये बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। दूसरा है कि जब किसी के पास विकल्प नहीं होगा, काम करने का विकल्प नहीं है, तो उसकी सोच फिर गलत दिशा में जा सकती है। तो हमें बेसिकली रूट कॉज पे जाना है कि उस बच्चे को एक सही दिशा दें, फिर वो अगर किस कारण से नहीं जा पा रहा, उस कारण को एड्रेस करने की जरूरत है। कि हमारे लोगों को आवश्यकता क्या है। तो ये जो धार्मिक फंड आता है, धार्मिक पैसा आता है, ये कम्युनिटी पर सही तरीके वापस जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि वृद्धाश्रम जो आप बना रहे हैं उसमें केवल जो सिख नशा नहीं करते होंगे उनको वहाँ रहने का स्थान मिलेगा, क्या सिखों के अलावा और किसी धर्म के लोग भी वहाँ रह पाएंगे? देखिए, ब्रॉडली तो ये देखिए सरकार का काम है जिसमें सभी धर्मों, सभी उसको कम्युनिटीज को किया जाए, लेकिन चूंकि मैं एक धार्मिक संस्था का मुखिया हूँ और उसका एक मैंडेट है, इस वजह से मुझे उसको ही लक्षित करना है। और मैं चाहूँगा कि सभी धर्म, सभी समुदाय अगर ऐसा करते हैं तो हम पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर पाए। हर बीच में आज तक के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ से, पीलीभीत भी आपके क्षेत्र में आता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे, क्या कोई योजना है भविष्य? सब जगह देखिए, गुरुद्वारा श्री नानक माता साहब जो है वो किसी गांव का या शहर का या लोकल गुरुद्वारा नहीं है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और हमारा जो इलेक्शन भी होता है उसमें 1400 गुरुद्वारे पार्टिसिपेट करते हैं 7 जिलों के, और मैं कहूँगा 5 जिले तो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, 2 ही जिले उत्तराखंड के हैं, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, और बाकी 5 जिले जो उत्तर प्रदेश से हैं जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, रामपुर और बरेली। तो यह मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ तक हमारा मैंडेट कि गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब जो है बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है और सिखों के अलावा काफ़ी संख्या में और लोग भी जाते हैं, हम अमावस्या वैसे भी जाते रहते हैं, लेकिन हमारे पूरनपुर से अगर हम बात करें तो ऐसी कोई सवारी की सुविधा नहीं है जो नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब तक लोगों को पहुंचा दें, और जो सिख समुदाय के लोग हैं वो साधन संपन्न भी हैं, उन पर वाहन भी हैं, पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग जाना चाहते हैं वो नहीं पहुँच पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, आपके प्रश्न जो है वो कहीं कहीं सरकार और संस्था दोनों के सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। एक हम नानक मत्ता साहब में भी, सही कहा आपने, नानक मत्ता साहब में भी हम खुद सरकार से बसें मांगते हैं, वहाँ से हमने पर्यटन के लिए अमृतसर के लिए बसें लगवाई दी हैं अभी वहाँ से, ताकि यहाँ की संगत अमृतसर भी जा सके और आ सके। और गरीब और अमीर तो हर कम्युनिटी में हो सकता है, परंतु यदि कोई ऐसी आवश्यकता है, मूवमेंट की काफ़ी आवश्यकता है, तो सरकार को मैं भी अनुरोध कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने सर यह सवाल जो है इसलिए पूछा कि मैं अमृतसर साहब गया था और वहाँ से बस की व्यवस्था है जो दूसरे गुरुद्वारों तक पर्यटकों को ले जाती है, जो धर्म जो लोग जाते हैं गुरुद्वारों तक, इसलिए मैंने पूछा था क्या यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था प्रस्तावित है, इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, अभी अभी फिलहाल विचाराधीन नहीं है, समय आने पर ऐसे किसी चीज़ों को नाम ही नहीं है, आवश्यकता के अनुसार आकलन करके जो भी निर्णय होगा लिया जा सकता है। जी, धन्यवाद।